बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशहूर मारूफ कोप इमाम मोहम्मद अली सिपारा जो कि अभी तक लापता हैं, उनकी तलाशी का जो मिशन है, उनको तलाश करने का जो मिशन है वो जारी है। पूरी कौम, पूरी दुनिया उनकी खैर आफियत के साथ वापसी के लिए पूरी उम्मीद है। जो उनके साथ दूसरे कोपेमा हैं जान सनोरी और जो दूसरे मार्क कुबलो हैं वो भी उनके साथ हैं। आपको बताएं, दुनिया का शायद उसूल है कि जीते जी आपको उतनी कदर नहीं मिलती जो कि आपको मर कर मिलती है। अभी तो खैर तस्दीक भी नहीं हुई कि मोहम्मद अली सिपारा जिंदा भी हैं या नहीं। बहरहाल आपको आगाह करें कि लोग खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जो हमारे हुकूमती ज़राए हैं, जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी उनको खराज तहसीन पेश कर रही हैं। मोहम्मद अली सिपारा के जो ख्वाब थे, जो चाहते थे अपने इलाके के लिए, उस पर बातें हो रही हैं। तो अब आपको जो लेटेस्ट एक है उससे आगाह करें कि इब्रारुल हक जो हमारे मायनाज सिंगर हैं, उन्होंने कहा है कि आई हैव जस्ट हर्ड, एक ट्वीट किया है, ट्वीट हम आपके स्क्रीन पर शेयर भी करें। आई हैव जस्ट हर्ड द न्यूज़ दैट मोहम्मद अली सिपारा वॉन्टेड टू बिल्ड अ स्कूल इन हिज विलेज आफ्टर हिज मिशन। Therefore, we have decided to fulfill his dream, and inshallah, a school will be built in the village of our hero in his memory. इब्राहिम लक ने कहा कि मुझे ये मैंने खबर सुनी है टेलीविजन स्क्रीन्स पर मीडिया के थ्रू कि मोहम्मद अली सिपारा ने अपने गांव में एक स्कूल बनाने का ऐलान किया था। वो चाहते थे कि जब वो इस मिशन से वापस आएं, जब पाकिस्तान का झंडा केटू पर सर्द मौसम में बिना ऑक्सीजन के लहरा कर वापस आएँ, एक हीरो बनकर वापस आएँ, एक रिकॉर्ड याफ्ता हीरो बनकर पाकिस्तान की शान बनकर वापस आएँ, तो अपने गाँव में वो एक स्कूल बनाना चाहते थे। अब अभी तक वो लापता हैं, वो नहीं है। अगर वो वापस नहीं आते, इब्राहिम लक ने ये अनाउंसमेंट की है कि वी हैव, उन्होंने ये डिसाइड किया, वो एक फाउंडेशन भी अपनी चलाते हैं इब्राहिम लक के नाम से। उन्होंने साथ ये कहा, सहारा वेलफेयर ट्रस्ट इब्राहिम लक चलाते हैं, जस्ट कन्फर्म्ड। उन्होंने कहा है कि अब हम वहाँ पर उनके गाँव में उनकी याद में स्कूल बनाएंगे। आई विश एंड आई प्रे, आप सब भी दुआ कीजिए कि मौजज़ा हो, भी यकीनन मौजज़े की उम्मीद है, वरना ज़मीनी हक़ एक फैक्ट्स एंड फिगर अगर हम बात करें तो बिल्कुल ये नामुमकिन है उनका ज़िंदा बचना। डेथ जोन कितनी ख़तरनाक है, ये मैं आपको कार्ड्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ। हमने डेथ जोन पर एक प्रोग्राम भी किया था नासरिंग चंद, आप देखिए डेथ जोन कितनी ख़तरनाक है, वहाँ पर कितना मुश्किल होता है इंसान के लिए स्टे करना। और 10 घंटे इज़ द मैक्स टाइम वेयर यू कैन लिव इन द डेथ जोन, और अब तक का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 90 घंटे जो नेपाली कोफेमा थे वो वापस आए थे, वो भी अब तकरीबन 216 घंटे से ऑपरेशन भी वहाँ पर जारी है। बहरहाल जीते जी नहीं मिलता वो मकाम जो मर कर मिल जाता है, यही है बस आम हर जगह पर। बहरहाल हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ को रहिए। मैं नहीं चाहता कि हम यहाँ से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की खबर जारी करें, हम चाहते हैं कि हम मौजज़े की खबर जारी करें, खुदावंद करीम का जो मौजज़ा करेंगे मोहम्मद अली सिपारा, जो ज़ाती उनके दो साथी कोपेमा हैं, उनकी वापसी का हम वो खबर यहाँ से जारी कीजिए। अल्लाह।